नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगी सीधी उड़ान सेवा। दोनों देशों के बीच हुए द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर। न्यूजीलैंड की 3 दिवसीय यात्रा पर है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर हमला, कहा हम चीन को अमेरिका से रेप की इजाजत नहीं दे सकते। इराक के मुथन्ना प्रांत में दोहरा बम विस्फोट, धमाके में गई करीब 33 लोगों की जान, 63 लोग घायल। आईएसआईएस के हैकरों ने जारी की अमेरिकी सैन्य कर्मियों की हिटलिस्ट। सीरिया में आईएस के ठिकानों को निशाना बनाने वाले कर्मियों के नाम है सूची में शामिल। इक्वाडोर में आए भूकंप के 13 दिन बाद मलबे से जीवित निकला 72 साल का बुजुर्ग। 7.8 की तीव्रता से आए भूकंप में गई थी 600 से ज्यादा लोगों की जान। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।